Hello, welcome back to the Basket Bagging channel. Please subscribe the channel, give likes, give comments, and don't forget to press the bell icon. Myself, the professor. Today, we are going to put a light on a new topic in this video, that is a mechanism of respiration. हमने already इस chapter के दो video upload किए हुए जिसमें हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट एंड एनिमल्स और दूसरा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, ये उसी का थर्ड पार्ट है जो चैप्टर को कंटिन्यू करता है। इसमें हम देखने वाले हाउ इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, बिफोर गोइंग द मैकेनिज्म विल डिस्कस और व्हाट इज एक्चुअली द रेस्पिरेशन। सवाल आता है कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इज नथिंग बट the biological process in which there is a exchange of gas. याद रखना, एक ऐसा biological process जिसके अंदर exchange of gas किया जाता है between, exchange करने के लिए दो चीज चाहिए, exchange of gas हो रहा है, the exchange of gas is between, one is the atmosphere and second is the lungs, यानी lungs और atmosphere में ये exchange of gas किया जाता है। तो exchange करते वक्त गैस को जब पहुंचा, लंग से लिया गया, पहुंचा गया सेल्स तक, हर एक सेल को पहुंचाया जाता है और हर सेल के अंदर इस ऑक्सीजन को यूज करकर ऑक्सीडेशन कराया जाता है हर ऑर्गेनिक फूड को, जिसके वजह से वहां पर बहुत सारी एनर्जी को रिलीज किया जाता और वही निकली हुई एनर्जी को यूज किया जाता फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। असल जो फाइनल एंड है यहाँ पर वो है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो ये है रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से एटीपी फॉर्मेशन कराया जाता। देन वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो कितने स्टेप पे कंप्लीट किया जाता है। द नंबर वन स्टेप इज अ ब्रीदिंग, नंबर टू इज अ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नंबर थ्री इज इंटरनल रेस्पिरेशन एंड नंबर फोर एंड द लास्ट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये चारों स्टेप कहां होते हैं, कैसा होता है, कौन से ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं और एक्चुअली इस स्टेप में क्या किया जा रहा है, ये वन बाय वन हम डिटेल देखने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन। द फर्स्ट इज अ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में होता क्या है, व्हाट इज द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज नथिंग बट एक्चुअल द फिजिकल प्रोसेस। इट इज अ फिजिकल, यानी फिजिकल का प्रोसेस क्यों कहा यहां पर, फिजिकल मतलब कुछ तो है वो खुद इन्वॉल्व कर रहा है, वो खुद करता है, इसलिए उसको कहा फिजिकल। कौन कर रहा है यहां पर, फिजिकल प्रोसेस जिसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन द एटमोस्फियर एंड द लंग। यहां पर फिजिकली कौन प्रेजेंट है, फिजिकली द लंग्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज विथ एटमोस्फियर। इसलिए कहा एक ऐसा प्रोसेस ब्रीथिंग का जहां पर एक्चुअल खुद कर रहा है वो है लंग्स, लेने और देने का काम ऑफ गैसेस विद एटमॉस्फेयर। ये जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग होता है, द ब्रीथिंग इज कंप्लीटेड इनटू द टू स्टेप, वन इज इंस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एक्सपिरेशन। लेकिन ये हम एक एक वन बाय वन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को देखने वाले, लेकिन ये दोनों भी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करने के लिए ह्यूमन बॉडी के कुछ ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट किया जाता है, जिसमें से द नंबर वन इज अ थोरैसिक केज, नंबर टू इज अ रिब्स, नंबर थ्री इज अ स्टर्नम एंड इंटरकोस्टल मसल एंड नंबर फोर इज अ मसल्स ऑफ डायफ्राम। चलो लेट्स सी द वन बाय वन। द नंबर वन विच इज कॉल्ड द थोरैसिक केज। अब ये देखिए यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ थोरैसिक केज, जहां पर कंप्लीटली रिब्स देन मसल्स स्टर्नम ये सब मिलाकर एक कंपार्टमेंट तैयार कर रहे, जिसे कहते हैं थोरैसिक केज। सो थोरैसिक केज यहां पर ये आ गया नंबर वन, इसका इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा। देन सेकेंड है थोरैसिक केज के अंदर हम देखते हैं कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ रिब्स, ये वन रिब, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, सो ऑन, ऐसे कई रिब्स यहां पर होते हैं, दिस आर द रिब्स यहां पर रहेंगे। देन द स्टर्नम, द स्टर्नम होती है जिसे कॉमनली चेस्ट बोन भी कहा जाता है, दिस इज द स्टर्नम हियर, जस्ट ये आपको हम हाइलाइट कर रहे हैं, दिस इज द स्टर्नम बोन जिसे चेस्ट बोन कहते हैं। इसका भी ब्रीदिंग मैकेनिज्म के अंदर यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में इसका भी कुछ रोल होता है। एंड फाइनली द लास्ट इज द मसल्स ऑफ डायफ्राम। अब ये डायफ्राम मस्कुलर होता है,
ये डायफ्राम जो है यहाँ पर होता है एक्चुअली यहाँ पर, जिसकी वजह से इस मेम्ब्रेन की वजह से थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी का पार्टीशन बन गया, ये दो अलग अलग अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट नाम बदल जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। तो लेट्स सी द नंबर वन इंस्पिरेशन। व्हाट इज इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन के अंदर होता है ड्यूरिंग द एटमोस्फेरिक, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एटमोस्फेरिक एयर इज टेकन इन इनटू द लंग्स। यहां पर क्या हो रहा है, एटमोस्फेरिक एयर इज टेकन इन थ्रू द नोज, ओके थ्रू द ईयर, सॉरी थ्रू द नोज द एटमोस्फेरिक एयर इज एंटर, यहां से एंटर होती है, ये हुआ कहां पर रह रही है, दिस कम्स इनटू द लंग्स। अब ये होने की यहां पर रीजन देखिए, क्यों बाहर की हवा अंदर आ रही है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ अ प्रेशर ग्रेडियंट, एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच। यानी प्रेशर ग्रेडियंट किसे कहेंगे कि एक तरफ किसी चीज का ज्यादा होना और वही चीज दूसरी तरफ कम होती है, तब वो उस तरफ जहां वो ज्यादा है वहां से उस तरफ जाती जहां वो कम है, ऐसे जहां पर बहुत ज्यादा और जहां पर बहुत कम है इसको कहते हैं ग्रेडियंट। लेकिन ये प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर किसका, गैसेस का प्रेशर, एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है तो वो ऑटोमेटिकली एंटर करती है ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट इनटू द लंग्स। ये हुआ इंस्पिरेशन होने की रीजन, समझ लो पहले, इंस्पिरेशन होता है अगर प्रेशर ग्रेडियंट नहीं रहा तो इंस्पिरेशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट होना पहली कंडीशन है। क्या है, एटमॉस्फेरिक में ज्यादा प्रेशर है और लंग्स के अंदर कम है, तो एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर हवा एंटर करती है, ये होगा इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर डायफ्राम फ्लैट होता है और वो डाउनवर्ड की तरफ, देखो ये है डायफ्राम, यहां पर जस्ट सी दिस वन इज द डायफ्राम, पहले डायफ्राम डोम शेप होता है ऐसा, दिस इज कॉल्ड द डोम शेप, लेकिन जैसे ही इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये फ्लैट होगा, यानी ये नीचे की तरफ दब जाता है, ओके इट बिकम द फ्लैट एंड गोज डाउनवर्ड, यू कैन सी हियर द डाउनवर्ड ही जा रहा है। दूसरा स्टेप क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। इंटरकोस्टल मसल कौन सा है, ये एक रिब्स और ये दूसरी रिब, ये दोनों के बीच के ऊपर जो मसल बाइंड कर रखा है ये इंटरकोस्टल मसल, बाहर के इंटरकोस्टल मसल एंड प्लस द स्टर्नम, ये वाली स्टर्नम, ये दोनों भी मसल, एक तो इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से रिब्स और स्टर्नम थोड़ा ऊपर की तरफ अपवर्डली मूव करते हैं और थोड़ा सा बाहर की तरफ आउटवर्डली पुल किए जाते हैं। क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन में द डायफ्राम बिकम्स फ्लैट एंड गोज डाउन, दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट, सो रिब्स एंड स्टर्नम दे आर मूव्ड लिटिल बिट अप एंड दे आर पुल्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ खींचे जाते हैं। ये होने की वजह से क्या हुआ इसके अंदर, ये प्रोसेस होने की वजह से देयर इज इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम, यानी थोरैसिक कैविटी के अंदर जो पहले हवा की जगह थी वो कैपेसिटीज की बढ़ा दी गई, वॉल्यूम बढ़ा दिया गया, ओके और अंदर जो थोरैक्स के अंदर पहले दबाव का प्रेशर था वो प्रेशर रिलीज हुआ, खुलने की वजह से क्या हुआ, प्रेशर जो लंग्स के ऊपर था वो रिलीज कर दिया जाता, प्रेशर कम हुआ और वॉल्यूम बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से बाहर की जो हवा है यानी एटमॉस्फेयर की एयर इट रशेस इन, अंदर की तरफ आती है और अंदर आने की वजह से अब पहले बाहर प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा था एटमॉस्फेयर में और उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट अंदर कम था, जैसी हवा अंदर आती तब तक अंदर आती तब तक जब तक कि वो इक्वलाइज होता नहीं, यानी दोनों तरफ का प्रेशर एटमॉस्फेयर का और लंग्स का इक्वल होता नहीं तब तक ये हवा अंदर आती रहती, दिस इज अ इंस्पिरेशन। Then next part or the next second step of the breathing is expiration. Expiration में बिल्कुल सारी चीजें उल्टी होंगी, यहां पर हवा और लंग से बाहर निकल रही थ्रू दिस ओपनिंग, नोस्ट्रिल से बाहर निकल रही, क्या हो रहा है, पर जो थोरैसिक पहले खींचने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बाहर आया था, अंदर का वॉल्यूम बढ़ा था, वो ये वापस अपनी जगह पर, ओके क्या हो रहा है, पर इंटरकोस्टल मसल दे रिलैक्स, वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं, डायफ्राम वापस अपनी जगह पर ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ आ जाता है, ओके डायफ्राम ऊपर की तरफ आ गया, डोम शेप हो जाता है, देन द
इंटरकोस्टल मसल अगेन दे गेट कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो रिलैक्स हो जाते हैं, स्टर्नम जो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आया था वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस मसल्स का रिलैक्स होना, इनका डाउनवर्ड हो जाना, ये सारी चीजें वापस थोरैसिक कैविटी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते जिसकी वजह से अंदर की जो एयर है वो प्रेस होती है और वो बाहर निकलती है। दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सपिरेशन। ओके, ये यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल बताया गया, ये एक रिब का टुकड़ा है, ये दूसरा रिब का टुकड़ा है और ये दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है दिस आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल। ये बाहर वाला एक्सटर्नल है और ये अंदर वाला इंटरनल है। याद रखना है पहले वाले में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे इसलिए रिब को बाहर पुल किया था, अब यहाँ पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से रिब्स आर अगेन रिलैक्स, वापस अपनी जगह पर लाया जाता है। ये एक्सपिरेशन में हमको देखने को मिलेगा। देन जैसे ही यहाँ पर ये प्रेशर बनता है डिक्रीज, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द थोरैक्स एंड लंग्स एंड द वो बाहर, क्योंकि एटमोसफेयर से ज्यादा प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर जिसकी वजह से एयर और द एयर रश आउट टू द लंग्स, लंग्स से बाहर निकल जाती है, ये हो गया दिस कॉल्ड एज द एक्सपिरेशन। अब यहाँ पर एक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, वन स्टेप ऑफ इंस्पिरेशन एंड वन स्टेप ऑफ एक्सपिरेशन। ठीक है, देन वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपिरेशन इट इज कॉल्ड एज अ वन ब्रीथ, इसी को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ वन ब्रीथ, यानी एक सांस हम कहेंगे एक मरतबा सांस ले ली। ठीक है, वन इंस्पिरेशन वन एक्सपिरेशन। नाउ ये हो गया हमारा, दिस वॉज अ फर्स्ट पार्ट of process of respiration called as the breathing. Now we'll go to the second part that is called as the external respiration. External respiration में हम देखने वाले कि it is a location, यहाँ पर कहाँ हो रहा है external respiration? An alveolus, जो lungs का एक small pocket होता है, lungs के अंदर छोटे से pocket जिसे हम alveolus कहते हैं। The alveolus is made up of a simple squamous epithelial tissue. अब आपको ये सारी चीजें कंसेप्ट पता है कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है, आप 11 का चैप्टर जिसके अंदर स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यूज है आप उसको जाकर देखिए, वहां पर एनिमल टिश्यूज में डिफरेंट टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जहां पर फ्लैट्स पतले से फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू दे आर प्लेस्ड ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि हमको सबको पता है एपिथेलियल मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ही रखा टिकाया जाता रखा जाता है। देन देर इज अ इंटीमेट एसोसिएशन विद अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कि ये जो एल्विलस की वॉल है, एल्विलस की दीवार है, एल्विलस की दीवार में देखो आप ऊपर की तरफ ये एल्विलस की वॉल है, एल्विलस की वॉल के बाहर में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि देर इज अ इंटीमेट मतलब एकदम बहुत ज्यादा क्लोज, बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस पे उनको एकदम चिपका कर रखा होता है कि कैपिलरीज। ओके, दिस आर कॉल्ड द पल्मोनरी कैपिलरी, ये इसके ऊपर लगाए गए जैसे कि कैपिलरी का वॉल है, यहां से यहां तक ये कैपिलरी है। ओके, और यहां से यहां तक ये एल्वियोलस का वॉल है, तो यहां दोनों के बीच में बिल्कुल एकदम क्लोज कॉन्टेक्ट होता है। सो द वॉल ऑफ कैपिलरी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, कैपिलरी की दीवार भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी है, और एल्विलस की वॉल भी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनी है और ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन टिकी है। लेकिन यहां देखा गया कि दोनों इतने एक दूसरे के इंटीमेट क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं, दोनों दे आर हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर, हैविंग द थिन वॉल एंड दे आर हैविंग द वेरी इन क्लोज कॉन्टेक्ट, बहुत काफी क्लोज होते हैं, और इनका काम क्या होता है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, कौन दिस मेम्ब्रेन, कौन सी द पल्मोनरी की और प्लस एल्वियोलस की, दोनों के अंदर यहां पर गैसेस डिफ्यूजन किया जाता है जिसकी वजह से हाइयर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ, हमेशा डिफ्यूजन कब होता है, डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हाइयर ग्रेडियंट टू द लोअर ग्रेडियंट, और ये तब तक जाते जाता है जब तक ये दोनों तरफ का इक्वल नहीं होता, दोनों तरफ का प्रेशर ग्रेडियंट पार्शियल प्रेशर इक्वल नहीं होता, so this goes on continuously moving by the process of diffusion. Then a partial pressure of carbon dioxide in a blood
एंटरिंग इन द पल्मोनरी कैपिलरी अबाउट 45 एमएम ऑफ मर्क्यूरी। जैसे कि अभी हमने देखे कि यहाँ पर कैपिलरी होती है, कैपिलरी के अंदर ब्लड आता है, ब्लड जो आता है ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखो यहाँ पर द कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो है अराउंड 45 एमएम ऑफ मर्क्यूरी, याद रखना यहाँ पर कितना है, वो ब्लड जो लंग्स के अल्वियोल्स के पास में जो कैपिलरी का नेटवर्क है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, पी मीन्स द पार्शियल प्रेशर इज अबाउ 45 एमएम ऑफ मर्क्यूरी। ओके, दिस आर मेजरमेंट इसको किया जाता है मर्क्यूरी के अंदर, कितना मर्क्यूरी एमएम ऊपर प्रेशर किया जाता है। ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, कैमे है पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर। देन व्हाइल द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ अल्विलार एयर, अगर वही हम देखते हैं अल्विलस के अंदर, यह देखो अल्विलस की दीवार, यह है अल्विलस, अल्विलस के अंदर जो एटमोस्फियर का आया हुआ या जो अंदर ऑलरेडी पहले से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका पार्शियल प्रेशर जब देखा गया तो वो होता है 40 एमएम ऑफ मर्क्यूरी। आप देखिए क्लियर कट है, यहां पर पार्शियल प्रेशर कितना है 45, यहां कितना है 40, तो ऑटोमेटिकली हमको पता है कि यहां पर एक ग्रेडियंट तैयार हुआ। ग्रेडियंट क्या है, यहां पर ज्यादा है यहां पर कम है, तो हमेशा जहां ज्यादा है वहां से डिफ्यूज होकर उस तरफ जाता है जहां वो कम है, तो ऑटोमेटिकली आप समझ चुके कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो अल्विलस के अंदर 45 एमएम ऑफ मर्क्यूरी है ये यहां से डिफ्यूज होता है, यानी ब्लड से निकलता है और अल्विलस के अंदर जाता है, सो दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। तो क्यों, ड्यू टू दिस डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम अ कैपिलरीज टू अल्विलस, तो क्या होगा फिर ये कैपिलरीज से होते हुए ये यहां जाएगा, कौन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, रीजन डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, एक तरफ 45 था दूसरी तरफ 40 था। देन सिमिलरली दूसरा गैस जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं इसका जो पार्शियल प्रेशर देखा गया इन अ ब्लड कैपिलरी यानी पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर ये था अराउंड 40 एमएम ऑफ मर्क्यूरी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो कैमे वो ब्लड जो हार्ट से आया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 45 एमएम ऑफ मर्क्यूरी था और ऑक्सीजन जो उसके अंदर है ब्लड में वो 40 एमएम ऑफ मर्क्यूरी, याद रखना ऑक्सीजन कैमे पल्मोनरी कैपिलरी में, लेकिन वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात इन अल्विलर एयर के अंदर देखते हैं, अल्विलस के अंदर एयर में देखते हैं, दिस इज द अल्विलस एयर, तो अल्विलस के अंदर इट इज अराउंड 100 to 104 एमएम ऑफ मर्क्यूरी, ये यहां पर देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो हवा एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आई उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है एज कंपेयर टू द ब्लड जो उसके कैपिलरी के अंदर है। तो अब सीधी सी बात है, आपको यहां पर डिफ्यूजन कहां से कहां हुआ, फ्रॉम हाइयर ग्रेडियंट टू द लोअर ग्रेडियंट, ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम दिस अल्विलर एयर टू द पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर ये डिफ्यूज होता है। सो ये हो रहा है कहां पर, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के अंदर, पहला काम तो ला लिया गया, अब लाने के बाद अंदर लेने और देने का काम करना है, एक्सचेंज करने का काम किया जा रहा है एट अल्विलर लेवल। देन लेट्स डिस्कस द सम टर्मिनोलॉजीज जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, जिसके अंदर हम देखेंगे लंग्स के वॉल्यूम्स में, लंग्स के वॉल्यूम्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस द नंबर वन इज अ टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त में जितनी हवा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ये जितनी हवा अंदर आई नॉर्मली और जितनी हवा बाहर निकली नॉर्मली वो होती अराउंड 500 मिलीलीटर, इस वॉल्यूम को यहां कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। कितने, याद रखा वो इंस्पिरेशन का वॉल्यूम हो या एक्सपिरेशन का, लेकिन कह में नॉर्मल ब्रीदिंग कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। दूसरा अगर हम टर्म देखते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा अलग है, क्या हो रहा है यहां पर, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, ज्यादा से ज्यादा एयर जो अंदर ली जा रही है, दैट इज अबाउट एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, ज्यादा से ज्यादा मतलब यहां पर क्या, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग, याद रखना यहां पर इंस्पिरेशन किया गया लेकिन इंस्पिरेशन कैसा किया गया,
दिस इज कॉल्ड फोर्स, यानी नॉर्मल से ज्यादा जबरदस्ती जो अंदर ली जा रही है, यहाँ 500 ml आती थी, अब उसको जबरदस्ती जितनी खींची गई वो है अराउंड 2000 to 3000 ml. दिस इज कॉल्ड एज अ इंस्पायरेटरी रिजर्वायर. याद रखना है पर क्या हो गया, फोर्स इंस्पिरेशन किया गया, दिस इज कॉल्ड एज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. देन नेक्स्ट टर्म इज अ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब यहां क्या कह रहा, बिल्कुल ऊपर वाली के जैसा, लेकिन यहां क्या हो रहा है, मैक्सिमम यानी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर्ड, जोर से बाहर छोड़ी गई ड्यूरिंग द फोर्स्ड ब्रीदिंग, फोर्स्ड किया गया यहां पर. तो ये ऑलमोस्ट यहां हम देखते हैं तो ये होगा फोर्स, तो ये 1000 से लेकर 1100 ml तक ये जो तो उनको देखने को मिलती है फोर्सली एक्सपायर किया है. देन नेक्स्ट इज द डेड स्पेस. डेड स्पेस क्या है, किसे कहेंगे, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन रेस्पायरेटरी ट्रैक. अब रेस्पायरेटरी ट्रैक में आपको पता है इट स्टार्ट फ्रॉम द नोज, देन नोजल नेजल ट्रैक, नेजल ट्रैक के बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रकिया, ट्रकिया के बाद ब्रोंका, ब्रोंका के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो ये होगा रेस्पायरेटरी ट्रैक. तो जितनी हवा रेस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर है फ्रॉम नोज टिल ब्रांकियोल्स, ओके, नाक से ब्रांकियोल तक है, बट नॉट इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, वो ऑलमोस्ट 150 ml होती है ना, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को इसका लेना देना, ये इतनी जो हवा है, दिस इज कॉल्ड द डेड स्पेस. देन रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल का मतलब बची नहीं, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स, लंग्स के अंदर रहती है एंड प्लस इन अ डेड स्पेस, जो हवा लंग्स के अंदर मौजूद है बची है और डेड स्पेस के अंदर प्रेजेंट है इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन, जितना जोर लगाने के बावजूद बाहर एक्सपायर करने के बाद भी फिर भी डेड स्पेस में लंग्स में जो बची हुई हवा होती है रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो 1100 से 1200 होता है ml. दिस इज कॉल्ड द रेसिडुअल वॉल्यूम. देन लंग्स की कैपेसिटी, द टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या है, द टोटल लंग्स कैपेसिटी इज नथिंग बट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग्स कैन होल्ड आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पिरेशन. ताकत लगाकर जितनी भी इंस्पिरेशन कर रहे हैं और इंस्पिरेशन करने के बाद ज्यादा से ज्यादा जो जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर स्टोर की जा सकती है वो है 5200 to 5800 ml. यानी हम देखते हैं कि इंस्पायरेटरी वॉल्यूम से ये ज्यादा है, ये टोटल लंग्स की कैपेसिटी है, ये इतना हाईएस्ट, जैसे कि एक बलून में हम हवा भर लेते हैं लेकिन और थोड़ी हवा भरी जा सकती है, वो लास्ट स्टेज होता है बस्ट होने से पहले का, वो है यहाँ पर उसका वॉल्यूम कैपेसिटी, लास्ट टोटल लंग कैपेसिटी यहाँ पर इतनी होती है. देन द लास्ट टर्म इज हियर द वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ लंग्स. द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स में हम देखते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट इन अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन, जिसमें बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट, ज्यादातर इंस्पायर इंस्पिरेशन करने वाले मैक्सिमम जो इंस्पायर और एक्सपायर किया जाएगा वो मैक्सिमम जितनी होती है इसको सम टोटल गिना गया. सम टोटल किसका किसका टोटल है यहाँ पर, द टोटल है यहाँ पर द टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड नेक्स्ट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इन तीनों का टोटल करने के बाद जो वैल्यू मिलती है दैट वैल्यू इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ लंग दैट रेंजेस अबाउट 4100 to 4600 ml. ये यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग द पल्मोनरी वॉल्यूम और द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स. ठीक है, ये होगा यहाँ पर सेकेंड हमारा स्टेप. ओके, पहला हमने देखे ब्रीदिंग, सेकेंड वी हैव सीन द एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, अब हम जा रहे हैं थर्ड दैट इज द इंटरनल रेस्पायरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. लेट्स सी द इंटरनल रेस्पायरेशन में होता क्या है और ये कहां होता है. इंटरनल रेस्पायरेशन में हम देखते हैं कि दो मेन कंपोनेंट्स, जैसे कि ब्लड के दो मेन कंपोनेंट, नंबर वन इज अ आरबीसी एंड सेकेंड इज अ प्लाज्मा. किसके कंपोनेंट है, दीज आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ ह्यूमन ब्लड.
ये दोनों भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। किसका ट्रांसपोर्ट है? ट्रांसपोर्ट तो दो गैस का किया जा रहा है, एक है नंबर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन। ठीक है, क्या किया जा रहा है? पर इंटरनल रेस्पायरेशन में अब पहले शुरू से हम देखेंगे, पहले ब्रीदिंग हुई, ब्रीदिंग के अंदर क्या आएगा? एटमोस्फियर से हवा अंदर आ गई, ये होगा ब्रीदिंग। दूसरा स्टेप आया लंग्स के अंदर लेने और देने का काम किया गया, इसका एल्विलस से कैपिलरी को दिया गया, कैपिलरी से एल्विलस को दिया, ये दिया। अब ले लिया गया, लिया किसको गया? कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को लाया जाता लंग्स को लेकर जा रहे, ऑक्सीजन को लेकर जा रहे, सॉरी। तो ये जो अब लेकर जाने का काम करता, तो लेकर जाने का काम किसको? एक ऑक्सीजन को लेकर जाना, और लाने का काम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये लाने और लेकर जाने का काम ब्लड करता है। तो ब्लड के अंदर दो पार्ट है, दो कंपोनेंट है, वन इज द प्लाज्मा एंड सेकेंड इज द प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट आरबीसी। ये दोनों ही काम करता है, बाकी आरडब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसा, ये सारी चीजें यहाँ पर कोई काम नहीं करेंगे। चलिए, तो दो चीजें हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में कि आरबीसी करती है या प्लाज्मा करता है। उसके बाद हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, आरबीसी करती है या प्लाज्मा करता है। लेट्स सी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पहला हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। टोटल जितना भी ऑक्सीजन लिया जाता है, यानी इंस्पायर कर रहे हैं हम, लंग्स के अंदर एक्सचेंज हो रहा है, जितना किया जा रहा है उसका सिर्फ 3%, ओके, ओनली 3% इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ प्लाज्मा। देखो, अब 100 में से 3% सिर्फ प्लाज्मा ले जाता, लेकिन बचे हुआ 97% कौन लेकर जाता? 90% ऑक्सीजन इज टेकन बाय, ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। क्यों आरबीसी लेकर जाते हैं? क्योंकि आरबीसी दे आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इनके अंदर एक पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से ये 97% ऑक्सीजन को ले जाने का काम ये पिगमेंट करते हैं। प्लाज्मा में कोई पिगमेंट्स नहीं है, ये आरबीसी के अंदर है, इसलिए ये हीमोग्लोबिन को दूसरा नाम भी रखा गया, दे आर कॉल्ड द रेस्पिरेटरी कैरियर। कैरियर क्यों का? जैसे कि हमारे आप आजकल हम यूज करते हैं, कैरी बैग्स करते हैं, टू कैरी द थिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, वैसे ये एक रेस्पिरेटरी गैस को कैरी कराने वाला एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की खास बात होती है कि हीमोग्लोबिन हैज अ ग्रेट एफिनिटी, एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, काफी क्लोज रिश्ता। इससे जैसे ऑक्सीजन के पास और हीमोग्लोबिन एक दूसरे के पास आते हैं तो इमीडिएटली दे कंबाइन, और ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इमीडिएटली दे कंबाइन टू फॉर्म अ अनस्टेबल कंपाउंड कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ये दोनों यहां पर जुड़ जाते हैं और यहां पर फॉर्म होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी, आरबीसी के अंदर आप देखेंगे, आरबीसी के अंदर जहां उसका प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर वहां पर प्लाज्मा के प्रोटीन है, दिस इज अ वन प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हम देखते हैं कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, जहां पर 1, 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा ऐसे चार यहां पर अल्फा बीटा के चेन हमको देखने का, और उसमें वहां पर लगाया जाता है आयन, इसमें आयन, इसमें आयन, इसमें दिख रहा आपको यहां पर क्लियरली आपके होता है। तो ये यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किया जाता है। ऑक्सीजन जैसी हीमोग्लोबिन के पास आया, कंबाइन करता, एक अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। थ्योरेटिकली अगर हम देखते तो एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का, एक मॉलिक्यूल जो रहेगा उस पर चार आयन, ओके, Fe प्लस, चार आयन के एटम्स, आयन प्रेजेंट होते हैं, ओके, वन हीमोग्लोबिन इज हैविंग द 4 फेरस आयन, हर एक फेरस आयन, चार है ना, हर एक फेरस आयन एक ऑक्सीजन को पिकअप करता है, हर एक फेरस एक ऑक्सीजन को पिकअप करता है। तो चार के हिसाब से हम देखेंगे यहां पर चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहां पिकअप किए जा रहे हैं। जैसे दिस इज द वन, ये फेरस है, ये नंबर 2 फेरस है जिसमें दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेगा, ये तीसरा फेरस है जो थर्ड मॉलिक्यूल को लेगा, एंड दिस इज द 4th फेरस वन जो यहां पर चौथे मॉलिक्यूल को लेगा। तो अल्टीमेटली एक HB यानी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा, चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेकर जाता है। तो है ना इंटरेस्टिंग यहां पर। देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ने के बाद ये लंग्स से लेकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लंग्स से ले जाकर इसको डायरेक्टली इट गिवन अप टू द टिश्यू। अब लंग्स से डायरेक्ट टिश्यू नहीं जाए, लंग्स से वो हार्ट को पहुंचाया जाता, हार्ट से फिर वहां पर पंप किया जाता सिस्टमेटिक ऑर्डर से, और हर एक बॉडी के सेल्स और टिश्यू, ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स को पहुंचता है।
जैसे ही वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल्स को पहुंचता है, टिश्यूज को पहुंचता है, तो वहां पर उनकी जो जोड़ी बनी थी, किसकी जोड़ी थी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो जोड़ी बनी थी, वो जोड़ी वहां पर अलग हो जाती है, यानी डिसोसिएट, डिसोसिएशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन अलग हो जाता है, निकल जाता है। ओके, अब ये हाउएवर द डिग्री ऑफ सेचुरेशन की, कितने सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन हीमोग्लोबिन की जो होती है वो डिपेंड ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन कितना अवेलेबल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, हमेशा ये 100% सेचुरेशन कभी नहीं रहेगा। ओके, याद रखने पर जितना पार्शियल प्रेशर रहेगा उसके हिसाब से यहां पर सेचुरेशन, यानी कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन पर कंबाइन करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। सो मैक्सिमम सेचुरेशन 100% तो कभी होता नहीं है, तो मैक्सिमम कहां तक जाता है, इट रीचेस अप टू 95 to 97%, वो भी कब, जब वहां पर एल्विलस के अंदर 100 mm ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर है, तब। अगर आप इमेजिन करो आप ऐसी जगह पर चले गए जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तब वहां पर ये जो 95 to 97% का जो सेचुरेशन है वो कम होना चाहिए, गिरना चाहिए। ओके, अगर जैसी लंग से यानी अल्विलाय से अगर ये ब्लड मूव करता है एचबी लेकर जाते 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 अगर टिश्यू तक गया, ऑटोमेटिकली यहां पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा था, 100 mm ऑफ मर्क्यूरी था, बोल के यहां पर ये जोड़ी बनी। लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाता है तो ये प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन वो कम होते जाता है, जैसी प्रेशर कम होता है ये दोनों जैसे डिक्रीज होता है तो फौरी वो एक दूसरे से अलग होना शुरू होते, कौन, दोनों, एक है हीमोग्लोबिन और दूसरा है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन गो डिसोसिएट्स। ओके, जैसी 100 से ये 30 तक चला जाएगा, देखो अब यहां पर 100 से 30 तक चला गया तो 50% सेचुरेशन तो रहता है, लेकिन जैसी 30 mm ऑफ मर्क्यूरी से अगर पार्शियल प्रेशर कम होना शुरू हुआ तो फौरी वहां पर वो एक दूसरे से अलग होना शुरू होते हैं, डिसोसिएट होना शुरू होते हैं। दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, दिस कंडीशन जहां पर दोनों के डिफ्रेंसिएशन को कहेंगे, जैसे ऑक्सीजन का लेवल, देखो यहां पर आप देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0 से 20 में गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, ये जैसा जैसा हम देखेंगे बॉडी टिश्यू के अंदर 40 तक ही है, लेकिन वही अगर हम लंग्स में चले जाते हैं तो वहां पर अप टू 100 तक है, लेकिन वही अगर इसके प्रेशर के हिसाब से अगर हम देखते हैं, जैसे अगर हम देखेंगे यहां पर हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन जो होता है ऑक्सीजन के साथ, अगर ये बढ़ता गया, अगर ये बढ़ता गया ये बढ़ता जाएगा, अगर ये बढ़ता जाएगा ये बढ़ता, लेकिन जैसे ये पार्शियल प्रेशर कम होता है तो यहां सेचुरेशन भी इनका कम होते जाता है, सेचुरेशन जैसे ही कम होगा तो अगेन इट गोज ऑन डिसोसिएट, एक दूसरे से अलग होना शुरू होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसोसिएशन कर्व। देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज ऑलवेज अ सिग्मॉइड, सिग्मॉइड मतलब जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि इट इज समवॉट एस शेप, जैसे सिग्मॉइड कर्व होता है जो कि इट मूव्स थोड़ा सा राइट साइड की तरफ इसको शिफ्ट कराया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं दिस इज दिस एस शेप का जो होता है सिग्मॉइड कहा गया, इट इज इट शिफ्ट टूवर्ड द राइट ड्यू टू द इंक्रीज इन H+ आयन, जैसे कि हाइड्रोजन आयन्स के बढ़ने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ये कर्व सिग्मॉइड कर्व फॉर्मेशन किया जाता है। अब दूसरी कंडीशन है जैसे कि इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, देखो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर पहले यहां पर लो था, यहां उसके बाद यहां पर आप देखेंगे ये थोड़ा ऊपर चला गया, फिर बढ़ गया नॉर्मल रेंज पे, और ऊपर गया तो फिर ये बढ़ गया, जैसे ही इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता जाएगा प्लस इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा प्लस इंक्रीज इन डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा जो कि ग्लाइकोलाइसिस में आरबीसी के अंदर फॉर्म किया जाता, कौन सा पहला है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ना, दूसरा टेम्परेचर का बढ़ना, तीसरा डायफॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्म करना। जैसे ये बढ़ते जाता है तो जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच की जो गहरा अटूट बंधन था, एसोसिएशन था, वो टूटना शुरू होता, इनके बढ़ने की वजह से ये इनकी एफिनिटी कम होना शुरू होती, एफिनिटी किसकी, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन की कम होना शुरू, बोस इफेक्ट जो ऑलरेडी हमने आपको डायग्रामेटिक ग्राफ में दिखाया है, जिसके अंदर क्या किया जाता ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है जिसमें पहले बढ़ गया फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल फिर नॉर्मल और फिर हाई हो गया, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा चेंज होते जाएगा ऑटोमेटिकली देर इज अ डिक्रीज इन एफिनिटी बिटवीन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में कम होना चाहता है,
दिस कंडीशन इज कॉल्ड द बोर्स इफेक्ट. दूसरा है हेल्डन इफेक्ट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच एक्ट एज द एसिड. देखो यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक एसिड की तरह काम करता है, इट फंक्शंस एज एसिड, जिसकी वजह से देयर इज अ डिक्रीज इन अ पीएच ऑफ ब्लड. जैसी इसका एसिडिक यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू होता वैसी ब्लड का पीएच गिरना शुरू होता, डिक्रीज इन द पीएच ऑफ द ब्लड. और जैसी ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एच प्लस आयंस एंड बायकार्बोनेट होता है, देयर इज चेंजेस विच चेंजेस विच ये कार्बोनेट बाद में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ओके, पहला क्या हो रहा है यहाँ पर, एच प्लस आयन का नंबर बढ़ना चालू हो रहा है एंड कार्बोनेट गेट चेंजेस इनटू द वाटर एंड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड. देन इन द अल्विलाई जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, अल्विलस में याद रखना कहां पर है, पार्शियल प्रेशर इज प्रेजेंट मोर इन अल्विलस. देखो हाइलाइटिंग वर्ड क्या है यहाँ पर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई इन अल्विलाई वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर इज लो. ये ज्यादा है ये कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंड्स टू द हेमोग्लोबिन, क्योंकि ज्यादा है इसलिए ऑक्सीजन बाइंड करता है हेमोग्लोबिन में. बट जैसे ये वहां से अल्विलस से निकलकर आगे की तरफ ऑर्गन और टिश्यू को पहुंचता है, जहां पर अब उल्टी कंडीशन होती है, यहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू होता है. पहले ऑक्सीजन ज्यादा था बोलकर उसने बाइंड किया, कार्बन डाइऑक्साइड लो था बाइंड नहीं किया. लेकिन अब यहां देखते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल अब यहां पर पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है टिश्यूज की तरफ, और वहीं पर टिश्यूज में हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो रहा है, पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड मोर, उल्टी कंडीशन हो रही है. अब यहां पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलता अलग होता है डिसोसिएट होता है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड गोज ऑन फॉर्मिंग द एक अनस्टेबल कंपाउंड हीमोग्लोबिन से फॉर्म करना शुरू करता है. ठीक है, यहां पर हम चेंजेस आप देखिए डिफरेंस बढ़ने और कम होने की वजह से क्या हो रहा है. ओके, दिस इज द फोटोग्राफ. देन जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का टिश्यूज में कम होना चालू होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ना शुरू होता, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर आया था अब वहां से वो अलग होता है. किससे अलग हो रहा है, हीमोग्लोबिन से अलग होता है. ऑक्सीजन गोज इट गेट्स रिलीज्ड, ऑक्सीजन जैसे रिलीज हो रहा है, देखो यहां पर आप देखेंगे लंग्स में यहां से आया बहुत ज्यादा था, लगकर आया ब्लड से होते होते यहां पर टिश्यूज को पहुंचा, ये टिश्यूज आया, टिश्यूज में आने के बाद हीमोग्लोबिन अलग हुआ. ओके, और ऑक्सीजन अब अलग हुआ, ये निकला हुआ ऑक्सीजन आप कहां जाता है, इट गोज टू द डिफ्यूजर्स इन टू द सेल ऑफ टिश्यू, जो सेल्स के पास लाया गया वहां सेल के अंदर. ये असल टारगेट इसको यहां पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना है. रिस्पायरेशन की शुरुआत में हमने डेफिनेशन देखे, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड फाइनली इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. वो एटीपी बनने के लिए ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, और ऑक्सीडेशन होने के लिए एटमोस्फियर का ऑक्सीजन सेल को होना चाहिए. ये जब तक नहीं आएगा ऑक्सीडेशन नहीं होता. ऑक्सीडेशन मतलब सिंपल वे में हम ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड होता है, और हर टाइम ब्रेक में एनर्जी निकलती जाती है निकलती जाती है, और यही केमिकल एनर्जी को यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे एटीपी कहते हैं. ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट स्टेप है. देन लेट्स डिस्कस सम वन टर्म, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. जैसा अभी हमने आपको डिस्कस किया कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जैसी एक दूसरे के पास में आते हैं तो दे गेट कंबाइन, यानी क्योंकि दोनों में एक एफिनिटी होती है, दोनों के अंदर काफी एक दूसरे को बाइंड करने की एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. लेकिन ऑक्सीजन की बजाय इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के पास आ जाए और दोनों एक दूसरे के पास डिस्टेंस पे है, तब वहां पर वो ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से ग्रेटर, यानी कितना ज्यादा, 250 गुना 250 टाइम्स मोर हैज एफिनिटी विद अ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन से 250 मतलब ज्यादा वो कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा क्लोज एफिनिटी रखता है. तो जैसे ही हमने देखी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आते हैं तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन जैसी कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन आते हैं दे कंबाइन एंड दे फॉर्म स्टेबल कंपाउंड. ये सबसे बड़ी बात है, यहां पर आपको याद रखना है कि दे फॉर्म द स्टेबल कंपाउंड.
कंपाउंड का नाम है कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। और कैसे बन रहा है? स्टेबल मतलब क्या? अभी अलग नहीं होने वाला, बढ़ गया, फिक्स हो गया। अब इन दोनों का एक कनेक्शन, इतना कॉम्बिनेशन हुआ, अब दोनों को अलग नहीं किया गया। ये यहां सबसे बड़ा खराब और नुकसान चीज ये कि अस्टेबल बनता है, जिसका नाम है कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से अब जो आपके सीट थे क्या थे, कैरियर थे, कौन था कैरियर? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का था लंग से ऑक्सीजन को कैरी करना है सेल्स तक, टिश्यू सेल तक लेकर जाना, लेकर जाना। अब उस सीट पर कोई और आकर बैठा, सीट वैकेंट नहीं है, ऑक्सीजन को लेकर जाने वाले हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल कम हो गए, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा। जैसी सप्लाई कम होगा तो इट प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से यहां पर सप्लाई कम होता। सो बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन मे, और द सेल्स ऑफ दैट पर्सन मे सफर फ्रॉम द स्टार्वेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी वहां पर उनको होना शुरू होती है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग वन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। देखिए, हमने शुरुआत में देखे कि दो गैसेस है जिसको लेकर जाना है, वन वॉज आ ऑक्सीजन एंड सेकेंड वॉज अब कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। हमने शुरू किए थे सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, देर आर द टू कंपोनेंट इन द ब्लड, ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट है जिसका नाम है, वन इज द आरबीसी, सेकेंड इज द प्लाज्मा। दे कैरी द टू गैसेस, वन इज कॉल्ड द ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हमने कंप्लीट कर लिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को तीन स्टेप में पहुंचाया जाता। द नंबर वन इज बाय अ प्लाज्मा, लेकर जाने वाला कौन है कार्बन डाइऑक्साइड को? प्लाज्मा। प्लाज्मा ले जाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, और ये होता है सिर्फ 7%। एक तो ये होगा फर्स्ट। दूसरा है यहां पर इट कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन, और ये होता है सबसे ज्यादा 70% में लेकर जाता है। तीसरा होता है, अब ये होगा कौन लेकर जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब तीसरी है आरबीसी लेकर जाते हैं, और ये सिर्फ 23% होता है। ओके, प्लाज्मा 7% इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, देन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन 70% एंड बाय आरबीसी 23%। ओके, ये तीन स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। चलिए, नंबर वन स्टेप हम देखेंगे बाय प्लाज्मा इन सोल्यूशन फॉर्म, ये 7% होता है। सो ओनली 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म, और वो भी कौन सा फॉर्म होता है? इन द फॉर्म ऑफ अ कार्बोनिक एसिड, जो कि कार्बोनिक एसिड को बाद में ब्रेक किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और इनटू द वाटर, एंड दिस इज द कार्बोनिक एसिड। यानी कार्बोनिक एसिड को फाइनली देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करने के बाद बना कार्बोनिक एसिड, और वही कार्बन एसिड का जब ब्रेकडाउन किया गया तो वापस वहां पर निकला कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये वाइस वर्सा हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये होगी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड वाली जो है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन, ये सबसे ज्यादा काम इसी में किया जा रहा, तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में होता क्या है, जैसे कि हमको पता है 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू से बाहर निकलता है वो डिफ्यूज होता है प्लाज्मा के अंदर। पहले सेल्स जब निकलेगा ब्लड के अंदर आएगा, तो ब्लड में पहले क्या लगता है? प्लाज्मा लगता है, और प्लाज्मा के अंदर सेल्स है आरबीसी, फिर आरबीसी में जाएगा। पहले कहां जाता है? इट डिफ्यूजेस इनसाइड द प्लाज्मा फर्स्ट, देन इट गोज इनटू द आरबीसी। चलिए, आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस कहां, याद रखना, किसके अंदर? आरबीसी के अंदर, नॉट इन प्लाज्मा। आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन करता, ओके, ये इसके साथ कंबाइन करता, इन प्रेजेंस ऑफ अ जिंक कंटेनिंग एंजाइम, एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ऐसा एंजाइम जिसके अंदर जिंक होता है, ये एंजाइम इन दोनों को जोड़ने में मदद करता, जिसकी वजह से फॉर्म हो रहा है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कहां किया जा रहा है, याद रखना, ये प्रोसेस हो रहा इनसाइड, नॉट प्लाज्मा, इनसाइड द आरबीसी। क्यों आरबीसी में हो रहा है, प्लाज्मा में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो है ना, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम प्लाज्मा में
नहीं होता, इट इज प्रेजेंट ओनली इन आरबीसी, दैट्स व्हाई, इसलिए ये आरबीसी में काम किया जाता है, कन्वर्जन ऑफ ए कंबाइनिंग द वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ये प्लाज्मा में नहीं होता, याद रखना। इसलिए द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इन आरबीसी इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द फॉर्मेशन इन प्लाज्मा, प्लाज्मा से ज्यादा कार्बोनिक एसिड आरबीसी में फॉर्म किया, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी यहां पर होता है। देन कार्बोनिक एसिड हमको सबको पता है कि ये बड़ी आसानी से बनता भी और डिसोसिएट इमीडिएटली बिफोर क्रिएट होता है, वापस जिससे बना था, किससे बना था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जुड़कर बना था, इसके इस एंजाइम पर ये कार्बनिक एसिड बनती है, इमीडिएटली वापस टूटता है और फॉर्मेशन होता है वहां पर अगेन सेम, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, ये जैसे ही होता है वहां पर एच प्लस आयन्स वहां पर रिलीज किए जाते हैं, कार्बनिक एसिड फॉर्म कार्बोनेट फॉर्म होता है, एच प्लस आयन्स बाहर निकलते हैं, दिस मूव आउट ऑफ द आरबीसी, वो निकले हुए जो रहेगा, जैसे कि आप ये व्यू में देख सकते हैं, जस्ट सी दिस फोटोग्राफ, आप यहां देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर, ये दोनों भी यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज में ये यहां फॉर्म हो गए कार्बोनिक एसिड, लेकिन फोरी इमीडिएटली डिसोसिएट होते हैं इन कार्बोनिक एंड इन एच प्लस आयन, ये एच प्लस आयन दे आर गिवन आउट, देखो एच प्लस आयन दे आर गिवन आउट, बाहर क्या यहां पर जैसी बाहर निकलता है हिमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, कौन बाइंड हो रहा है, एक एक्स्ट्रा एच प्लस हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद वहां पर वो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। ओके, व्हाट इज देन हियर, जैसे ही वो निकलता है इंबैलेंस होता है बाहर निकलने के बाद, इट फॉर्म्स द इट गेट्स, जैसे बाहर निकला याद रखना ये आयन बाहर चला गया, एच प्लस आयन बाहर चला गया, लेकिन इंबैलेंस हो रहा है, सॉरी यहां पर इंबैलेंस होने की वजह से इसको क्लोराइड आयन दिए जाते हैं, क्लोराइड आयन आर गिवन टू मेक बैलेंस, बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या किया, जस्ट सी द स्टेटमेंट यहां पर क्या हो रहा है, जैसे यहां पर आरबीसी से बाहर निकलते हैं जिसके वजह से यहां पर एक इंबैलेंस होता है आरबीसी के अंदर, इस आयोनिक बैलेंस करने के लिए यहां पर फौरी प्लाज्मा से क्लोराइड आयन्स अंदर दिए जा रहे हैं। ओके, प्लाज्मा से बाहर से आरबीसी के अंदर क्लोराइड सीएल माइनस आयन दिए जाते हैं, और ये जो बैलेंसिंग किया जाता है क्लोराइड आयन से, इसी को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमिना। ओके, ये यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर हो गया। देन कार्बोनिक एसिड जो तैयार हो गया यहां पर, यानी कार्बोनेट का फॉर्मेशन जो तैयार हुआ, दिस कंबाइन, अब ये क्या कहते हैं यहां पर, इट कंबाइंस डायरेक्टली ऐसी फॉर्म में नहीं रहा, इट गोज एंड कंबाइंस विद सोडियम, और यहां बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जाता है फिर कभी कभार जो तो पोटेशियम से कंबाइन करता है, कंबाइन होने का फॉर्म बनता है ऊपर पोटेशियम कार्बोनेट, क्या हो रहा है, कार्बोनेट गेट गोज कंबाइंस विद सोडियम टू फॉर्म द सोडियम बाइकार्बोनेट, आइदर इट गोज कंबाइंस विद पोटेशियम फॉर्म द पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और ये सारी चीजें दोनों जो पोटेशियम या सोडियम बाइकार्बोनेट आने के बाद यहां पर पीएच ऑफ ब्लड को मेंटेन करने का काम करते हैं। ओके, देन जैसे कि अभी हमने बताया एच प्लस जो निकले हुए आयन जो निकलते बाहर निकलने जाते हैं, निकलने के बाद वो हीमोग्लोबिन से जाकर अटैच होते हैं, जिसकी वजह से इट गेट फॉर्म द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, यहां पर देखिए आपको ठीक है, यहां पर ये रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन यहां पर हो गया। देन दिस एच प्लस आयन्स माइट बी एक्सपेक्टेड टू लोअर द पीएच ब्लड, ऐसा माना जा सकता है कि या ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो एच प्लस आयन है जो कार्बोनिक एसिड की वजह से पीएच चेंज हुआ था हायर हुआ था, ये उसको लो करने का काम करता है, उसको नीचे करने का काम करता है, ये एक बफर की तरह काम करता है, कौन सा, रिड्यूस्ड को रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, इट लोअर्स द पीएच, यानी इट वर्क्स लाइक अ बफर। ओके, यहां पर रिड्यूस करने का काम किया जाएगा। देन एट द लेवल ऑफ द लंग्स इन रिस्पॉन्स टू द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द अल्वियोलर एयर, हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन रिकम्बाइन टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एंड अगेन यील्ड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ वाटर, क्या हो जाता है, एट द लेवल ऑफ द लंग्स, जैसे लंग्स लेवल में पहुंचता है वहां हमको पता है ऑलरेडी लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, इन अल्वियोलर एयर के अंदर, अल्वियोलर एयर के अंदर वहां पर हाइड्रोजन आयन्स एंड बाइकार्बोनेट आयन्स फिर से वहां पर एक दूसरे को कंबाइन करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कंबाइन करते हैं और कंबाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोनिक एसिड होता है,
again this carbonic acid in presence of same enzyme get split into the carbon dioxide and water. और ये यहाँ पर फिर वेपर्स में वाटर निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. ये होगा सेकेंड स्टेप. द थर्ड स्टेप इज बाय आरबीसी. पहला हमने देखे इन द फॉर्म बाय द प्लाज्मा 7% हुआ, बाद में 70% बाय कार्बोनेट फॉर्म में, अब तीसरा है बाय आरबीसी सेल्स जो कि 23% होता है. कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विद अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन आपको पता है कि इट इज अ प्रोटीन, प्रोटीन इज इन द अमाइनो ग्रुप. ये अमाइनो ग्रुप से बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन का अमाइनो ग्रुप है, इसके अमाइनो ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है एंड इट फॉर्म द अनस्टेबल कंपाउंड कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन. जैसा हमने देखे ऑक्सीजन से बाइंड हुआ, अनस्टेबल कंपाउंड बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करा, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म किया. यहां पर अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है और एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, लूज बाउंड यानी वो कभी ना कभी अलग होने वाला है, टूटने वाला है, इसका नाम है कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन. ये कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बड़े आसानी से डिकम्पोज होता है वहां जहां इसका पार्शियल प्रेशर यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो कम रहेगा. कहां कम होता है, हमने ऑलरेडी देखे ब्लड के अंदर वो आता है 45, जैसी आगे हम देखेंगे वो 40 होता है, पार्शियल प्रेशर में चेंज होता है तो 45 से 40 की तरफ वो डिसोसिएट होकर अलग होना चाहता है और रिलीज किया जाता है. रिलीज करने वाली जगह कौन सी है, अलवेलर. ओके, सो दिस इज अबाउट द थर्ड स्टेप. नाउ हमने फर्स्ट ब्रीदिंग देखे, सेकेंड एक्सटर्नल एस्पिरेशन देखे, थर्ड इंटरनल एस्पिरेशन देखे एंड फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ द एस्पिरेशन प्रोसेस इज अ सेलुलर एस्पिरेशन. सी दिस सेलुलर एस्पिरेशन, बहुत छोटा सा पार्ट है. सेलुलर एस्पिरेशन में क्या किया जाता है, सेलुलर एस्पिरेशन इज नथिंग बट द लास्ट स्टेप जो सेल के अंदर की जाएगी. इट ऑकर्स इनसाइड द सेल जहां पर फाइनली द ऑर्गेनिक फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता, रिलीज्ड एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता. ये फाइनल स्टेप होता हर सेल के अंदर के और असल यही है. ये कराने के लिए शुरू से इतना काम करा गया, पहले तीन स्टेप के लिए ये कराने था बल्कि पहले तीन स्टेप हो गए. सो इट कैन बी डन और कैन बी शोन इन द टू स्टेप. नंबर वन इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. अभी सवाल आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आया कहां से. हम देखते हैं कि जो हम फूड डाइजेस्ट न्यूट्रिशन जो चैप्टर हमने देखा है, पढ़ा हुआ है, सीखा है, जो फूड आया वो सेल को ब्लड के अंदर असेंबल किया जाता, ब्लड के अंदर उसको पहुंचाया जाता, प्लाज्मा का पार्ट बनाया जाता, प्लाज्मा से फिर अब प्लाज्मा में वो आ गया ना, वो जो फूड है सेल के अंदर हर सेल में उसको पहुंचाया गया वो ब्रेक किया गया या फिर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर किया जा रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए एटमॉस्फेयर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल, तब जाकर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक किया जाता, ऑक्सीडाइज किया जाता, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल निकलते हैं और मेटाबॉलिक वाटर के 6 मॉलिक्यूल और फाइनली ब्रेक डाउन करते 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 वहां पर बहुत सारी एनर्जी निकलती है, वो होती है 686 किलो कैलोरी एनर्जी. और ये पूरी तो नहीं लेकिन इसमें से ऑलमोस्ट 60% एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यहां कन्वर्ट किया जाता है. बची 40% हमारे बॉडी के टेम्परेचर या सेल के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम करती है और ये निकली हुई जो 60% एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में, वो काम करने को कहा जाता है फॉस्फोरिलेशन. ओके, फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, एडीपी पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाइंड किया जाता है बाय अल्फा बीटा एंड गामा पोजीशन पर. गामा पोजीशन पर जहां ज्वाइन करने के लिए उसको 7.3 किलो के यानी एक एटीपी तैयार करने के लिए वो निकली हुई 686 में से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी लगती, तब जाकर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी के मॉलिक्यूल का फॉर्म किया जाता. ओके, फाइनली ये बनाने थे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो जैसा सबस्ट्रेट, अब सबस्ट्रेट यहां पर एक एग्जांपल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया गया, डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल में वेरी अलग अलग होते हैं और उसके हिसाब से वहां फॉर्मेशन किया जाएगा. सो दिस वॉज
the different steps or the process in a mechanism of respiration. Thank you very much for watching the video, giving your valuable time. Don't forget to press the bell icon and don't forget to subscribe the channel and share the link to all your friends. Thank you very much.